छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी नक्सली मुठभेड़ हुई। नक्सली हमले में अब तक 22 जवानों के शव बरामद किए जा चुके हैं, वहीं 11 जवान अभी लापता हैं। पहले इस हमले में 5 जवानों के शहीद होने की खबर आई थी, लेकिन अब ये आंकड़े 22 तक पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि अभी हमले में शहीद हुए जवानों की संख्या और बढ़ सकती है। इस हमले में कुल 32 जवान घायल हुए हैं, जिसमें 25 जवानों का इलाज बीजापुर अस्पताल में हो रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने 9 नक्सली के मारे जाने का भी दावा किया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक महिला नक्सली का शव भी बरामद किया है। वहीं दूसरी ओर लापता जवानों की तलाश एक बार फिर से बीजापुर में तेज हो गई है। 600 जवानों की बटालियन नंबर 1 इलाके में गई। ये इलाका खूंखार नक्सली हिडमा का गढ़ है, इसलिए फिर से एनकाउंटर की आशंका भी जताई जा रही है। केंद्र सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी नक्सली मुठभेड़ सामने आई। नक्सली हमले में अब तक 22 जवानों के शव बरामद हुए हैं, वहीं 11 जवान अभी भी लापता हैं। पहले इस हमले में 5 जवानों के शहीद होने की खबर थी, लेकिन अब ये आंकड़ा 22 तक पहुंच गया है और माना जा रहा है कि अभी हमले में शहीद हुए जवानों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस हमले में कुल 32 जवान घायल हुए, जिसमें 25 जवानों का इलाज बीजापुर अस्पताल में हो रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में पुलिस ने 9 नक्सली के मारे जाने का दावा भी किया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक महिला नक्सली का शव भी बरामद किया है। वहीं दूसरी ओर लापता जवानों की तलाश एक बार फिर से तेज हो गई है।